नमस्कार, मैं हूं यूसुफ अली। दोस्तों, इस समय हमारे साथ में ऋतुजा हेमंत माटोनकर मैडम है। इनके पास एक ऐसा हुनर है जो हुनर आज के समय में काफ़ी लोगों के लिए लाभदायक है। मैं ज़्यादा बात करूँगा उससे अच्छा है कि वही अपने हुनर के बारे में बताएं, लेकिन फिर भी इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि इंसान की जो पर्सनालिटी है, एक लेखक हो, एक स्टूडेंट हो या किसी भी सेक्टर में किसी की पर्सनालिटी है, वो उसकी हैंडराइटिंग पे बहुत डिपेंड करता है। जितनी अच्छी आपकी हैंडराइटिंग होगी, उतना अच्छा आपका इम्प्रेशन, लिखावट का जो है वो पर्सनालिटी को एक सीधा बिलोंग करता है। इनके यहाँ राइट ट्रैक करके अपना इनका सेंटर है, जिसमें यहाँ लोगों की ये हैंडराइटिंग डेवलप कैसे होती है उसके बारे में खुद तो माहिर है ये, और छोटे बच्चों को उस हैंडराइटिंग के लिए महारत हासिल कैसे हो उसकी ट्रेनिंग देती है। मैडम से बस सीधे बात करते हैं। मैडम नमस्ते। नमस्ते मैडम। राइट ट्रैक सेंटर क्या है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी पहले दीजिए। सर, ये मेरा राइट ट्रैक हैंडराइटिंग सॉल्यूशंस करके मेरा एक नाम है जिसको मैंने नाम दिया है। यहाँ पे मैं बच्चों के हैंडराइटिंग्स, गंदी से गंदी हैंडराइटिंग बच्चों की सुधारती हूँ। मैं कैसे ये पॉसिबल होता है, गंदी से गंदी हैंडराइटिंग जो बोल रहे हो, जो बच्चा है उसमें कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, कभी कभी लिखने की जो आदत है वो कम होती है, तो कैसे पॉसिबल होता है, उसमें कैसे क्या आप किस तरह से उसको मैनेज करते हैं? एक्चुअली कैसे है, बच्चे कोई बच्चे हैं जो स्टार्टिंग से ही अच्छा लिखते हैं, कोई बच्चे बहुत ही अच्छा लिखते हैं, कोई बच्चे बहुत ज़्यादा ख़राब भी लिखते हैं। लेकिन कैसे है, पेरेंट्स लोग ध्यान नहीं देते हैं कभी कभी, या तो टीचर्स लोग सिर्फ उनको रिमार्क देते हैं कि इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग, लेकिन वो इम्प्रूव कैसे करें बच्चों को भी पता नहीं है कि हम इम्प्रूव कैसे करें। माँ बाप भी बोलते हैं कि हैंड राइटिंग सुधारो, लेकिन बच्चा अपना हैंड राइटिंग कैसे सुधारेगा, इसके लिए गाइड करने वाला कोई नहीं है। तो फिक्र ना करें, मैं हूँ उनके लिए, मैं उन्हें स्ट्रोक सिखाऊंगी कि कैसा उन्हें करना है। 15 दिन का अपना ये कोर्स है, 15 डेज़ का, डेली अगर 1 आवर करेंगे तो 15 डेज़ का ये कोर्स हो जाता है। और अगर डेली अगर कोई बच्चा 2 घंटा अगर बैठने के लिए तैयार है तो ये 7 to 8 डेज़ में उनका हैंड राइटिंग इम्प्रूव हो जाए। आपके पास में ऐसे कुछ सीखे हुए बच्चों का है, आप बता सकते हैं कि क्या किस तरह से उनका पहले कैसा हैंडराइटिंग था और बाद में कैसा डेवलप हुआ? यस सर, बहुत सारे मेरे पास दिखाने के लिए बुक्स हैं, बहुत सारे ये है। ये एक ब्लॉक हैंडराइटिंग है जिसे हम ब्लॉक बोलेंगे, ये मराठी है, ये का लिखा हुआ है, ये 15 दिन पहले का है, ये बाद में का है। यस अच्छा, फिर ये मराठी है। डे बाय डे कैसा उसमें इम्प्रूवमेंट था, वो क्या है? देखिए, ये पहले हम उन्हें स्ट्रोक्स कैसा लेना है वो सिखाते हैं बच्चों को। ओके, पहले अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद फिर आएगा ये कैपिटल वर्ड्स है, उसके बाद हम कर्सिव में भी हम लेटर्स को ज्वाइन कैसे करना है एक दूसरे को वो सिखाते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम जाते हैं। फिर उसके बाद फिर कैपिटल लेटर्स आता है स्मॉल होने के बाद, फिर उसके बाद हम उनको वर्ड्स लिखने को देते हैं, उसके बाद फिर आएगा सेंटेंस, उसके बाद हम उनको पैराग्राफ लिखने को देते हैं। ऐसा करते 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 फिर हम उन्हें ये एक ही मेथड सब पे अप्लाई होता है। यस यस, फिर हम उन्हें ये ऐसा लिखने को दे देते हैं पूरा, फिर उसके बाद में हम बिफोर आफ्टर लिख लेते हैं उनका। जब बच्चा पहली बार आता है तब हम उनसे बिफोर लिखवा के लेते हैं, बिफोर मतलब पता चलेगा कि 15 दिन में बच्चे का कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। इसके अलावा दूसरे इसके अलावा आपने पास एक सवाल ये हम सवाल ये कि एक ही तरह की हैंड राइटिंग या अलग अलग लैंग्वेज, जैसे इंग्लिश हुआ, हिंदी हुआ, मराठी हुआ? यस, इंग्लिश है अपने पास, इंग्लिश में 2 फॉन्ट्स है, एक तो अपने अभी मैंने आपको दिखाया जैसे ये कर्सिव हैंड राइटिंग है, बाद में ये ब्लॉक हैंड राइटिंग है। ओके यस, ये किसी बच्चे ने टाइपिंग किया हुआ नहीं है, ये खुद हाथ से लिखा हुआ हैंड राइटिंग है। बिफोर देखिए, बिफोर भी उसका अच्छा था, बुरा नहीं बोलूँगी मैं इसे, लेकिन इससे भी और ज़्यादा ये दिखने में भी अच्छा दिखता है। अगर पेरेंट्स देखेंगे, अगर टीचर्स भी अगर देखेंगे तो उन्हें पेपर चेकिंग के वक्त भी उन्हें चेकिंग करने में दिक्कत नहीं होगी टीचर्स को। इसमें भी क्या अंदर जो है वही सेम मेथड जिस जो है वो सब चीज़ के लिए सेम है। ये देखिए, पहले अल्फ़ाबेट्स, स्मॉल अल्फ़ाबेट, फिर कैपिटल अल्फ़ाबेट्स,
फिर उसके बाद में 1, 2, 3 नंबर्स भी सिखाएंगे कैसा लेना है, फिर उसके बाद सेंटेंसेस, फिर उसके बाद पैराग्राफ, ऐसे करते करते फिर अपना कोर्स पूरा हो जाएगा। ये है मराठी बिफोर एंड आफ्टर, तीन फॉन्ट्स है, एक तो इंग्लिश का दो फॉन्ट कर्सिव ब्लॉक, ये मराठी कर्सिव एंड ब्लॉक, ब्लॉक एंड कर्सिव, ऐसे तीन फॉन्ट्स में सिखाती हूँ। हिंदी का शामिल, हिंदी भी उसमें ही आ गया, हिंदी मराठी दोनों एक जैसा ही है। यस, कितने बच्चों ने आपके यहाँ से अब तक सीखा है, उसका फायदा उठाया? अभी तक कम से कम 500 से 600 बच्चों को मैं अभी तक सिखा चुकी हूँ और अभी भी चल रहा है। कितने लोगों ने, कितने बच्चों ने अब तक आपसे सीखा है? अभी 500 से 600 बच्चों को मैंने अभी तक सिखा चुकी हूँ, और सिर्फ बच्चे ही नहीं बड़े भी अपनी हैंडराइटिंग सुधार सकते हैं। अच्छा, सबसे अहमियत वाली चीज़ ये तो कि कोई भी काम करने जाएंगे तो उसकी फ़ीस, आप सिखाएंगे, आप मेहनत करेंगे तो फीस चार्ज करती है, तो कितना इसके लिए आप चार्जेस करती है और उसकी पद्धति क्या है कि वन टाइम में किसी को देना है कि कैसा? देखिए, ये तो 15 डेज का जैसे कोर्स है अपना, तो उसका एक फॉन्ट का मैं 2500 रुपीस चार्ज करती हूँ एक फॉन्ट के लिए। जैसा ये अलग, ये एक फॉन्ट अलग हुआ, ये फॉन्ट अलग हुआ, ये फॉन्ट अलग हुआ, यानी कि तीनों किसी को करना है तो उसको 7500 रुपये पे करना पड़ेगा। यस, और वो तीनों का टाइम पीरियड एक ही है? टाइम पीरियड एक ही है, अलग अलग। एक फॉन्ट के लिए कम से कम 15 दिन लगता है एक फॉन्ट के लिए, यानी कि तीनों को करना है तो कम से कम डेढ़ महीना। यस, और विथ स्टडी मटेरियल, ये जो फीस है वो विथ स्टडी मटेरियल है इसके लिए आपको। यस यस, बच्चे को कुछ घर से लाना नहीं है, सिर्फ यहाँ आके बैठ के सीख के जाना है बस। अच्छा, ये तो हुआ नॉर्मल हैंडराइटिंग का। यस, अब हैंडराइटिंग से आगे बढ़े हम और कैलीग्राफी की बात करते हैं, जो कि अलग एक्स्ट्रा टैलेंट है, तो yes. क्या वो भी आप सिखाते? नहीं, कैलीग्राफी मैं नहीं सिखाती हूँ, लेकिन कैलीग्राफी जो है वो और मेरे कॉन्टैक्ट में है, मैं उनका कॉन्टैक्ट आपको दे सकती हूँ जो कैलीग्राफी सिखाते हैं। कैलीग्राफी जो है वो ज़्यादा करके ग्रीटिंग कार्ड्स बनाने में यूज़ होता है, या तो बच्चों के प्रोजेक्ट्स में वगैरह यूज़ होता है, जिसके लिए बहुत मेहनत का काम है वो, और बच्चों को उसमें पैशन होना चाहिए कि वो सीखने के लिए। ये जो हैंडराइटिंग मैं सिखाती हूँ वो हर एक बच्चे के लिए ज़रूरी है, कैलीग्राफी जो है वो सबके लिए ज़रूरी है ऐसा मैं नहीं बोलूँगी। अब अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहे तो क्या है, अपना कॉन्टैक्ट डिटेल दीजिए ताकि ये वीडियो देखने वाले को इस चीज़ का मालूम पड़े कि आपसे संपर्क कैसे किया जाए, आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9096629879, और एक नंबर है 8600771666। कुछ आप अंत में आप कुछ ऐसा शॉर्ट मैसेज देना चाहेंगे? शॉर्ट मैसेज में यही देना चाहूँगी कि पेरेंट्स को और सारे टीचर्स को मैं ये, बच्चों को भी मैं यही बोलना चाहूँगी कि अभी जो अपना लॉकडाउन पीरियड गया उसके बाद अभी बच्चे लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, या कुछ भी जो उनका चल रहा है, वो एग्ज़ाम्स भी उनका भी ऑनलाइन ही चल रहे हैं, तो इस चीज़ को इतना लाइटली मत लीजिए, क्योंकि आगे चल के स्कूल्स खुलेंगे, एग्ज़ाम्स पेपर लिखने पड़ेंगे आपको स्कूल में जाकर, बहुत जल्दी ऐसा होगा, तो अभी लाइटली मत लीजिए। पेरेंट्स लोग भी आप प्लीज़ लाइटली मत लीजिए इस बात के लिए, क्योंकि अभी अगर आपके बच्चों का हैंडराइटिंग ख़राब है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी एडमिशन ले लीजिए हमारे यहाँ, और बच्चों में सुधार देखिए, 100% आपके बच्चों में सुधार होगा और उनके एग्ज़ाम्स में भी बहुत अच्छे मार्क्स वो सिक्योर कर पाएंगे। थैंक यू। तो हम बात कर रहे थे ऋतुजा अहमद माटोंडकर से, और किस तरह से इन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया। हम रिकमेंड करेंगे कि अगर आपको, अगर बोल रहा हूँ लेकिन फिर ये बोलूँगा कि नहीं, हमको एक बार विजिट करना ही चाहिए, और कम से कम हम इनके साथ में काम करें ना करें वो बात की बात है, लेकिन क्या टैलेंट है वो उसका नमूना ज़रूर देखना चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद सर जी, आपका नाम क्या है? त्रिधात्री पाटिल। ग्रेट सर, आप इधर ये क्या कर रहे हैं? हैंडराइटिंग कोर्स कर रहे हो? क्या, कौन सी राइटिंग लिखते हैं आप? कर्सिव लिखते हैं, कर्सिव ब्लॉक और हिंदी मराठी, तो आप कर्सिव लिखते हैं। ओके, ठीक है। तो आप अभी कैसा लग रहा है आपको, हैंडराइटिंग आपकी फर्क पड़ी है कि नहीं पड़ी है? फर्क पड़ा ऐसा लग रहा है आपको? सो आपके टीचर्स को या फिर आपके पेरेंट्स को ये बताया आपने, हैंडराइटिंग जो चेंज हुई या इम्प्रूव हुई? नहीं, मेरे स्कूल की छुट्टी पड़ी है तो मैं नहीं बता पाया,
पर मम्मी ने देखी। मम्मी ने देखी, मम्मी का क्या कमेंट है? मम्मी ने बोला हुई अच्छी पर अभी और अच्छी करना है। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी आपके कोर्स को कितना दिन हुआ है? अभी मैंने ब्रेक लिया था तो शायद 10-15 दिन हुए रहे। 10-15 दिन हुए हैं आपके हैंडराइटिंग। ओके, अभी हम त्रिदात्री जी की हैंडराइटिंग देखेंगे कि बिफोर कैसी थी और आफ्टर कैसी थी। त्रिदात्री पाटिल जी जो है विद्या विकासनी के स्टूडेंट है, ही इज 11 इयर्स ओल्ड एंड दिस वाज हिज हैंडराइटिंग अर्लियर एंड अभी आप इसके इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। एक सेकेंड मैडम, ये देखिए, ये त्रिदात्री जी की हैंडराइटिंग का इम्प्रूवमेंट आप देख सकते हैं। ये इनकी हैंडराइटिंग पहले थी और ये अभी उनकी हैंडराइटिंग है जो कि अभी भी इन प्रोसेस है। ही इज़ इम्प्रूविंग, ही इज़ वर्किंग ऑन इट। अभी भी उनका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है। सर, कोर्स अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है ना? नहीं। और कंप्लीट होने में कितना दिन लगेगा? और 15 दिन लगेंगे। आपको ऐसा लगता है क्योंकि आपकी हैंडराइटिंग ऐसी है, पर मैडम आपको उसके पहले हेल्प करेंगे। हरे कृष्णा। ओके सर, हाउ ओल्ड आर यू? 14। विच स्टैंडर्ड यू इन? 9। आप 9th में अभी। ओके, तो आप यहाँ पे क्या सीखने आए हो? हैंडराइटिंग। हैंडराइटिंग इम्प्रोवाइज करने आए हो? ग्रेट, वंडरफुल। तो कितने दिन हुए आपको इस कोर्स को? 14 डेज हो गया। तो आपको क्या लगता है आपकी हैंडराइटिंग में फर्क पड़ा? हाँ फर्क पड़ा। कितना फर्क पड़ा? 70-80% फर्क पड़ा। तो जैसे ये हरी साहब बता रहे हैं, सो लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज द डिफरेंस। ये उनकी बिफोर की हैंडराइटिंग है। मैडम डेट नहीं लिखा है? नहीं। ये बिफोर की हैंडराइटिंग है और ये आज की हैंडराइटिंग है। यू कैन सी द ह्यूज डिफरेंस, जबरदस्त परिवर्तन है। मतलब ऐसा लगता है लिटरली ये टाइप किया हुआ है। ये इनकी करंट हैंडराइटिंग है जो ये डे ऑन डे प्रैक्टिस कर करके आया है। सो आपको कैसा लग रहा है हैंडराइटिंग जो आपकी चेंज हुई है या इम्प्रोवाइज हुई है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। यस, हाउ आर यू सर? व्हाट्स योर गुड नेम प्लीज? दीप राहुल ठाटागर। ओके सर, आप यहाँ पे एग्जैक्टली क्या सीखने आए हैं? हैंडराइटिंग। हैंडराइटिंग इम्प्रूव करने आए हैं। वेरी गुड। तो आप कौन से फॉन्ट में लिखते हैं, कर्सिव या ब्लॉक? ब्लॉक लिखते हैं। तो आप कौन से स्कूल से? होली फैमिली कॉन्वेंट हाई स्कूल। और स्टैंडर्ड आपका? 10th में। अभी 10th अपियर करेंगे। ग्रेट। तो दीप सर आए हैं अपने पास। ये इनका बिफोर राइटिंग है और ये उनका आफ्टर राइटिंग है। आप इसका ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन आप देख सकते हैं और होली फैमिली स्कूल के स्टूडेंट है। सर, आपको लगता है आपकी हैंडराइटिंग चेंज हुई है? हाँ। कितना चेंज हुई है? बहुत 100% चेंज है, बराबर है। तो कितना दिन लगा इसको चेंज होने को? 8 दिन। वंडरफुल, मतलब ग्रेट। 8 दिन में आपकी हैंडराइटिंग जबरदस्त तरीके से चेंज हुए। और यू हैप्पी? हैव यू शोन योर पेरेंट्स? यस। व्हाट दे से, वो क्या बोलते हैं? नाइस, वो अप्रिशिएट कर रहे हैं। टीचर को दिखाया? किसी टीचर को दिखाया? नहीं, टीचर्स को नहीं दिखाया अभी तक। बड़ा स्कूल को छुट्टियां हैं इसके लिए। ओके ओके, ग्रेट। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।